ऑल राइट गाइस, तो जवान का एक हिंदी प्रीव्यू आ चुका है। अब ना ही वो ट्रेलर है, ना ही वो टीजर है, पता नहीं क्या निकाला है। और तो 2 मिनट और 12 सेकंड का एक फुल फ्लेज कुछ क्लिप निकाला है, तो देखते हैं कि क्या है। और शाहरुख खान, विजय सेतुपति और अटली कुमार का डायरेक्शन देखने के लिए मैं एक्साइटेड हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अपने एक भाई हैं, कॉमिक वर्स नाम से उसका चैनल है, मोहित योद्धा उनका नाम है, तो उनका चैनल हैक हो चुका है और उनको आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो ट्विटर पे जाके ट्वीट कीजिए टीम यूट्यूब को और टीम क्रिएटर को, और जितने ज़्यादा हो सके उतने ट्वीट कीजिए, या फिर आप ये वाला ट्वीट भी रिट्वीट कर सकते हैं और सपोर्ट कर दीजिए और दिखा दीजिए कि हाँ हम उनके जेन्युइन सब्सक्राइबर हैं। तो अब रिएक्शन करते हैं शाहरुख खान की जवान के ऊपर फाइनली और ऑफिशियली। तो स्टार्ट करते हैं और 1 2 3 चालू। हाँ भाई, अटली कुमार का डायरेक्शन दिख रहा है कि उन्होंने साउथ का तड़का भर के मारा मूवी के अंदर। ओके, शाहरुख खान की आवाज, नरेशन चल रहा, वो अपना ही नरेशन दे रहे हैं भाई। पाप हूँ या पाप हूँ ये खुद से पूछना, क्योंकि मैं भी आप। अच्छा, मास्क लगाया हुआ। शाहरुख भाई साहब, साउथ का जो एक टच होता है ना, उसके साथ उनका नाम जो भाई साहब, नेत्रा, विजय सेतुपति, दीपिका पादुकोण, भाई साहब ये तो शुरुआत है। गुड टू गो गर्ल्स एंड एटली फिल्म्स। ओके भाई साहब, यार इसको देख के मेरे को किसी साउथ की पिक्चर की याद आ रही है, पता नहीं है, उसका नाम नहीं याद आ रहा मुझे, लेकिन ओके जवान। जब मैं विलन बनता हूं ना, तो मेरे सामने कोई भी हीरो टिक नहीं सकता। ओह भाई, टकला है वो तो इसमें, वो ये क्या बढ़ा दिया, अजीब सा लुक है यार। हमारी कसम लौट आई, मतलब भाई जो भी था, ये टीजर और ट्रेलर तो था नहीं, प्रीव्यू था, और प्रीव्यू देखकर मज़ा आ गया। एक्शन सीक्वेंस देखने में ज़बरदस्त है, और म्यूज़िक तो भाई साउथ इंडस्ट्री का जो म्यूज़िक है उसे फ़िलहाल की डेट में कोई भी इंडस्ट्री, क्या बोलते हैं, उसे टक्कर नहीं दे सकती। बाकी आप बताओ कि शाहरुख खान का टकले वाला लुक मेरे को जमा नहीं, बाकी देखते कि क्या अप्रोच लेके उनको ये लुक दिया गया। और अटली कुमार का डायरेक्शन दिख रहा है, किस तरीके से उन्होंने शाहरुख खान के पोटेंशियल को यूज़ कराया वो साफ तौर पर झलक कर आता है। और जब इसका ऑफिशियली एक टीज़र या ट्रेलर आएगा तो उसमें और चीज़ें पता चलेगी देखने में। और मूवी थिएटर के अंदर 7 सितंबर 2023 को आने वाली है, तो बवाल तो मचने वाला है। लेकिन ऑनेस्टली कहूँ तो अंदर से एक फील आ रही है कि कुछ मिसिंग सा दिख रहा है इस टीज़र में, सॉरी प्रीव्यू में, यार बार बार क्यों भूल जाता हूँ मैं। बाकी बताओ कैसा लगा ये प्रीव्यू टीज़र, जो भी था कमेंट्स में बता देना, ज़रूर कमेंट कर देना, और पॉसिबल रहा तो सबकी रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और हाँ, ट्वीट करना मत भूलना, ज़रूर से कर देना। और हाँ, ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पे कहीं से भी नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और देखते रहिए रिएक्शन टाइम। कब हो गया ये, कब हुआ, कब?